राशि। दोस्तों लास्ट कुछ वीडियो में हमने आपको स्केल के बारे में बताया, कॉर्ड्स के बारे में बताया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए आज हम एक सॉन्ग आपको सिखाने की कोशिश करते हैं जब कोई बात बिगड़ जाए। इसको पहले हम बजा के दिखाते हैं आपको। बांट लेते हैं इसको। पहला स्टार्टिंग म्यूजिक, स्टार्टिंग म्यूजिक में आपको जी शार्प जी जी शार्प इसको तीन बार करना है। कॉर्ड चेंज हो जाएगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। शार्प माइनर, फिर तीसरा कॉर्ड सी शार्प माइनर, ए एफ शार्प माइनर, डी मेजर, देन बी मेजर, ई। इसके बाद दोस्तों एक रन आता है इसमें, इस रन को हम लोग लेंगे जी शार्प एफ शार्प ई डी शार्प सी शार्प बी, यानी ये जो नोट है इसको तीन बार हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है, जी शार्प एफ शार्प ई डी शार्प सी शार्प बी, फिर यही चीज जी शार्प एफ शार्प ई जी शार्प एफ शार्प ई यहां पे लाके जी शार्प पे खत्म करना है। तो एक बार इसको लेना कैसे है, ये आपका फर्स्ट पार्ट यहां पर आके खत्म हो जाता है। आइए दोस्तों इसके आगे वाले पार्ट में चलते हैं हम लोग, कोरस पार्ट जो इसका है। जब कोई, ये स्क्रीन पर नोट दिख रहा हो आपको,
दोस्तों आपने नोट देखा, इसको कॉर्ड के साथ थोड़ा सा कर लेते हैं। जब कोई बात यहाँ पर ई बिगड़ जाए, जी शार्प। जब कोई मुश्किल सी शार्प पड़ जाए, ए। तुम बिना, ये एफ शार्प पे एफ शार्प। साथ मेरा, ये डी, देन बी लगा के। यही चीज दो बार आपका बजेगा। इसके बाद दोस्तों जो ये वाली म्यूजिक है, इसको पूरी म्यूजिक बजा दीजिएगा, देन ये छोटा सा पार्ट इसमें ऐड करिएगा। यहाँ पर एक कॉर्ड आ जाएगा, तो ये कैसे बजेगा। ये आपका सेकंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट में हम लोग आएंगे, स्टैंजा, हो चांदनी जब तक रात। तो इसमें दोस्तों आपको हो चांदनी जब तक रात, स्क्रीन पे नोट देखिएगा, देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा साथ। अब इसमें कॉर्ड दोस्तों वही चल रहा है जैसे हो चांदनी जब तक रात, जी शार्प माइनर, देता है हर कोई ए, तुम मगर एफ शार्प, अंधेरों में ये डी आया, ना छोड़ना बी आया मेरा साथ। इसके बाद एक छोटा सा फिलर आता है, फिर वही हो चांदनी, हो चांदनी जब तक रात, ये पूरा पूरा बच जाएगा। देन फिर आपको वही जब कोई बात बिगड़ जाए, तो दोस्तों इसी को आपको फिर से रिपीट कर देना है नेक्स्ट स्टैंजा में भी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसको लिख लीजिएगा पहले कॉपी में, इसके नोट्स, इसके कॉर्ड्स लिख लीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा। दो चार बार बजाएंगे तो दोनों हाथ आपका सिंक्रोनाइज हो जाएगा और अच्छे से ये सॉन्ग बजने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।